ओम पितृभ्यो नमः। श्रद्धावान सज्जनों, पितृपक्ष हमारे सामने हैं और पितृपक्ष में 16 श्राद्ध श्राद्ध और तर्पण, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। आज हम आपको तर्पण के विषय में बताएंगे कि तर्पण कैसे किया जाए। हमारे सामने अनेक प्रश्न आ रहे हैं कि पंडित जी, तर्पण की कोई सरल विधि बताइए। वैसे तो हम बहुत से पंडितों से संपर्क हमने किया है और जानकारी भी प्राप्त की है। मैं भी आपको बता दूं कि वैसे तर्पण जो है 6 प्रकार बताए गए हैं, तो 6 तरह से तर्पण किया जाता है, किस किस का किया जाता है। और 6 प्रकार हैं तर्पण के: देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य तर्पण। इस प्रकार से ये 6 तर्पण द्वारा हम अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। किंतु ये 6 ही जो है हम सबके लिए सुलभ नहीं है। बिना आचार्य के, बिना पंडित के, पुरोहित की सहायता के हम ये तर्पण नहीं करा सकते। और तर्पण हमें करना है, अपने पितरों को प्रसन्न करना है, अपने पुरखों को जल देना है। तो कोई ऐसी सरल विधि, ज्यादा समय भी ना लगे और हमारी श्रद्धा जो है, विशेष रूप से पितरों के प्रति जो है, वो भी पहुंचे और हमारे पितर हम पर प्रसन्न रहें। तो आज हम आपको बड़ी सरल विधि बता रहे हैं। पहले तो आपको देखिए कि क्या क्या लगेगा सामग्री। सामग्री में आपको सबसे पहले तो जौ, तिल, फूल, धूप, चंदन और विशेष रूप से तिल और कुश। अब इसमें पूजन में आपको विशेष रूप से तांबे का या उसके कांसे का पात्र लीजिए। और कुछ थोड़ी थोड़े से कुछ नियम है उसके कि जल देते समय हमें अब किस तरह मुंह करना चाहिए, कपड़े कैसे पहनना चाहिए। तो ये थोड़ा सा पहले अपन इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने सामग्री इकट्ठी कर ली है। तिल आए, काले तिल भी का सफेद तिल नहीं होना चाहिए भाई, काले तिल हों। काले तिल लीजिए, जो संभव हो तो जो भी ले लीजिए। और फूल, दूध, चंदन आदि भी आप उसमें डाल सकते हैं, सुगंधित द्रव्य भी डाल सकते हैं। पर जिनको विशेष रूप से गांव में चीजें उपलब्ध नहीं है, तो मुख्य रूप से 2 चीज जरूर होना चाहिए: तिल और कुश। और गंगा जी का जल मिल जाए तो और अच्छी बात है। नर्मदा जी का जल, गंगा जी का जल, पवित्र नदियों का जल अथवा शुद्ध जल, पवित्र जल, ताजा जल लेकर के आप रोज अपने पितरों को जल दीजिए। हाँ भाई, पितरों को 3 अंजलि दी जाती है। देवताओं को दी एक ही अंजलि दी जाती है, देवताओं को और पितरों को 3 दी जाती है। और साथ साथ में पितरों को, हम पितरों जब तर्पण करते हैं तो 3 पीढ़ी हमारी याद करते हैं। माँ माँ के बाद में आपको दादी और परदादी, और इधर आपको क्या है, पिता, दादा और परदादा। तो पहले तो अपन ने सबसे पहले अपन पिता को देंगे, उसके बाद दादा को देंगे, फिर परदादा को देंगे। अब इसमें क्या है, 3 3 अंजलि देंगे। अब उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, समय तो थोड़ा सा लगेगा, कि आपको इन तीनों को हम पिता को वसु रूप मानेंगे, दादा को रुद्र रूप मानेंगे और परदादा को आदित्य रूप मानेंगे। अब ये आप ध्यान में रखिएगा, तो मंत्र बोलूंगा तो आप बड़े सरल ढंग से आप उसको जल दे सकते हैं आप। और इसी प्रकार से जब माँ को देंगे तो माँ गायत्री, सावित्री और सरस्वती, माँ दादी परदादी। इसी प्रकार से नाना नानी को देंगे तो नाना को भी वही वसु, रुद्र, आदित्य, नानी को गायत्री, सावित्री और सरस्वती, ये 3। अब अपन ने क्या किया है, सामने जल रख लिया है और पितरों को जल देने के लिए हम तैयार हो गए। तो अभी तो आपको तिल नहीं लेना, अभी तो अपन सूर्य भगवान को और भगवान ब्रह्मा विष्णु को देना, उनमें तिल नहीं मिलाना है। कुछ साधारण लोटा ले लो, आप केवल लोटे से कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ये हो गए आपको तीनों देवताओं को। अब अपने पितरों को जल देने के लिए दक्षिण की ओर मुंह करना है और अपना बाया पैर मोड़ करके बैठना है बाया, और कपड़े आपके सफेद कपड़े हों कम से कम। इस प्रकार से ये ध्यान, और जनेऊ पहना है तो आप सब कर लीजिए, उसे इस तरह पहले तो उल्टा करके लीजिए, दूसरे कंधे पर कर लीजिए, दाहिने कंधे पर कर लीजिए उसे। तो और यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप अपने दाहिने दाहिने कंधे पे एक रुमाल रख लीजिए, इस प्रकार से बैठ करके। और अब लीजिए, खास बात जो बता रहा हूँ आपको, जो पितरों को दे रहे हैं जब किस प्रकार से देंगे, तो अपन पे क्या बोलेंगे,
हाथ में फूल ले लीजिए, तिल ले लीजिए और बोलिए, गोत्र तो आपको अपना मालूम, आपका गोत्र जो वो पितरों का गोत्र है, तो अपना गोत्र बोलेंगे तो बोलो, अपना गोत्र बोलो, गोतोत्पन्ना असमत पितरः आगच्छन्तु ग्रहणन्तु एतानि जलांजलि। मतलब हे पितरो आइए, मेरे द्वारा दी गई ये जलांजलि कह रहे हैं, इसको जलांजलि को स्वीकार करिए। तो हिंदी में कह सकते हैं कि हे पितरो आइए, मेरे द्वारा प्रदत्त जलांजलि स्वीकार कीजिए। ये आपको आह्वान कर लिया अपन ने। अब आह्वान करने के बाद में थाली में अपने तिल रख लिए, जो रख लिए, जो भी सामग्री रख ली, तिल तो होना ही चाहिए, और कुछ ले लीजिए, कुछ लेकर अब इस प्रकार से शुरू करेंगे अपन और बोलना शुरू करेंगे, यूं 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 इस प्रकार से, इस प्रकार से यूं जल लेकर यूं लेकर के और यूं इस प्रकार ऐसा छोड़ेंगे। तो अब अपन, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ भी आप बोल सकते हैं, और यदि दो बार में बोलूंगा तो आपको याद हो जाए और नोट कर लीजिए, अथवा सुन करके भी आप इस प्रकार से मैं जो बोलूंगा ना, वैसे ही आप लगा दीजिए अपना चैनल, हमारा चैनल चालू कर दीजिए, और जब मैं बोलूंगा तो उस प्रकार से आप करिए। मैं ऐसा कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे करा रहा हूँ, तो लीजिए, असमत असमत पिता अमुक गोत्रः, असमत पिता अमुक गोत्रः, अमुक नामः, नाम और गोत्र दोनों बोल करके आप फिर से बोलिए, असमत असमत पिता अमुक नामः, अमुक गोत्रः, वसुरूपस्य तृप्यताम, वसुरूपस्य तृप्यताम, इदम सातिलम जलम, तस्मै सुदा नमः। ये तीन बार आपको, ये आपका क्या हो गया, पिताजी को आपने दे दी। अब अपने दादा के लिए, दादा को क्या कहेंगे, पितामह। तो फिर वही इसी तरह बोलना है, गोत्र बोल देंगे, अस्मत पितामह, अमुक गोत्र, अमुक नाम, नाम बोल दो, गोत्र बोल दो, तो नाम गोत्र बोल दिया आपने, अस्मत पितामह रुद्र रूप तृप्ताम, इदम सातलम जलम, तस्मै सुदा नमः। ये हो गया अपने दादा के लिए। अब परदादा, परदादा को कहते हैं प्रापितामह संस्कृत में। अब संस्कृत की बात है भाई, मंत्रों के साथ बोल रहे हैं अपन, तो अपन प्रापितामह बोल, अस्मत प्रापितामह, वही गोत्र बोल दीजिए, गोत्र और नाम बोल लीजिए, तो अस्मत प्रापितामह आदित्य रूपस्य तृप्ताम, अब आदित्य रूप हो गए, आदित्य रूपस्य तृप्ताम, इदम सातिलम जलम, तस्मै सुदा नमः। ये हो गया आपका पिता के लिए, ये पीढ़ी हो गई तीन। अब इसी प्रकार से पिता के बाद माँ, माँ के बाद में दादी, दादी को कहेंगे पितामही, और परदादी को कहेंगे प्रपितामही। या माँ को गायत्री, सावित्री और सरस्वती, अपने इधर क्या माना, वसु, रुद्र और आदित्य, यहां मानेंगे इनको। अब दिवंगत हो गए, दिव्य पुरुष हो गए, वो तो गायत्री रूप हो गए, सावित्री रूप हो गए, सरस्वती रूप, तो अब लीजिए फिर उसी प्रकार से लीजिए, यहां भी भाई वो गोत्र बोलना, अपना नाम, उनका नाम, नाम बोलो और गोत्र बोलो। तो अस्मद माता, वो अस्मद माता का नाम बोलेंगे आप, गोत्र बोलेंगे, अस्मद माता गायत्री रूपा तृप्यताम, इदम सातिलम जलम, तस्य सुदा नमः। यहाँ पर तस्य बोलेंगे संस्कृत के अनुसार, तस्मै नहीं बोलेंगे, तस्य या में ऐ की मात्रा, तस्य सुदा नमः। ये हो गई माता का। अब इसी प्रकार से अब पितामही, अस्मद पितामही अमुक गोत्रः अमुक नामः, यानी अपने नाम और गोत्र बोल दीजिए, तो अस्मद पितामही सावित्री रूपा तृप्यताम, सावित्री रूपस्य बोल दो या रूपा बोल दो, सावित्री रूपस्य तृप्यताम, इदम सातिलम जलम, तस्य सुदा नमः। ये हो गया अपना दादी। अब परदादी यानी प्रापितामही, तो अस्मद प्रापितामही, वही अमुक गोत्र अमुक नाम, नाम बोल दीजिए, गोत्र बोल लीजिए उनका, और फिर बोलिए अस्मद प्रापितामही सरस्वती रूपा तृप्यताम, इदम सातिलम जलम, तस्य सुदा नमः। ये हो गया आपका पिताजी का, हो गया और माता जी का हो गया। अब द्वितीय गोत्र की शामिल करते हैं अपन, वो भी सरल है, तो विशेष रूप से इसमें नाना नानी आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ले लेंगे नाना जी को, नाना जी को माता महा बोलते हैं, माता महा, प्रमाता महा, और उसको भाई आप आखिरी तीसरे नंबर के पर कौन से हो गए, उनको कहेंगे प्रमाता महा कहेंगे। तो अब नाना जी के लिए याद रखिए, नाना को संस्कृत में माता महा, और इधर दादा को पिता महा कहते हैं, तो इधर माता महा हो गया। तो अब इसको वही वसु, रुद्र और आदित्य, तो वही बोलेंगे असमद माता महा
नाम और गोत्र, यदि याद हो तो आप उनका गोत्र याद नहीं है तो केवल इतना ही बोलेंगे आप, वसु रूपल तृप्ताम इदम सातलम जलम तस्मय सुधा नमः तस्मय सुधा नमः तस्मय सुधा नमः। ये माता महा यानी नाना को हो गया। और परनाना, परनाना यानी प्रमाता महा, प्रमाता महा को क्या बोलेंगे अपन इसी प्रकार से, असमद प्रमाता महा रुद्र रूप तृप्ताम इदम सातलम जलम तस्मय सुधा नमः तस्मय सुधा नमः तस्मय सुधा नमः। ये हो गया माता महा का। अब इसी प्रकार प्रमाता महा, प्रमाता महा को यानी वृद्ध, वृद्ध लगा देंगे साथ में, केवल अपने को वृद्ध लगा देना तीसरे नंबर पे, तो यहाँ हो जाएगा कौन, आदित्य रूप हो जाएगा। तो फिर बोले वही बोलेंगे असमद प्रमाता महा आदित्य रूपस्य तृप्यताम इदम सातलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। ये तीन बार हो गया। अब रह गए कौन, नानी रह गई। देखिए अब अपना बड़े संक्षिप्त में बता रहा हूं आपको, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा करेंगे उसके लिए तो आपको फिर आचार को बुलाना पड़ेगा। तो लीजिए आप नानी के लिए भी इसी प्रकार से अपनी नानी का नाम याद हो आपको, नाम और गोत्र स्मरण कर लीजिए और बोलिए इसी प्रकार से असमद असमद माता मही। अब यहां माता महा नाना और माता महा माता मही कह देंगे नानी हो जाएगा, एक माता का फर्क है। तो अपन क्या कहेंगे असमद असमद माता मही अमुक गोत्रा अमुक नामा गायत्री रूपस्य तृप्यताम इदम सात इदम जलम तत्सई सुधा नमः तत्सई सुधा नमः तत्सई। यहाँ पर फिर वही तत्सई बोलना पड़ेगा, तो नानी की बात आगे भाई। अब इसी प्रकार से परनानी, परनानी याने प्रमाता मही। तो असमद प्रमा वो इस प्रकार जल लीजिए, असमद प्रमाता मही अमुक गोत्रा अमुक नामा कौन सा रूप बोलेंगे इनको। अब इनको वो असमद प्रमाता मही सावित्री रूप तृप्यताम इदम सातलम जलम तत्सई सुधा नमः तत्सई सुधा नमः तत्सई सुधा नमः। अब इसी प्रकार से तीसरा क्रमांक आएगा वृद्ध प्रमाता मही। तो असमद वृद्ध प्रमाता मही असमद वृद्ध प्रमाता मही सरस्वती रूप तृप्यताम इदम सातलम जलम तत्सई सुधा नमः तत्सई सुधा नमः तत्सई सुधा नमः। तो अब ये आप समझ में आ गए इस प्रकार से। इसके बाद में फिर एक जल लेकर के आचमन कीजिए और बस प्रणाम करके उठ जाइए। इस प्रकार से आज आपका तर्पण हो गया। तो अपने तर्पण में देख लिया ये अपने पिता को तीन पीढ़ी माँ की इधर नाना नानी की हो गई तीन तीन पीढ़ी। इस प्रकार से आपने तीन तीन अंजलि दी और इस प्रकार से आप देंगे प्रणाम करेंगे और दान पुण्य करते रहे उनके नाम से, जो भी कुछ आप आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से। तो तर्पण के साथ साथ श्राद्ध भी करें तो आपको निश्चित रूप से आपके पुत्र जो हैं प्रसन्न जरूर होंगे, ऐसे ही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।